एटीआर में जंगली हाथियों का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। एटीआर के बिजरा कछार सर्कल के ग्राम बिसौनी में रात्रि लगभग 7 बजे हाथियों के 7 बड़े झुंड ने उत्पात मचाते हुए 2 वनवासियों के मकान को तोड़कर घर में रखे राशन को चट कर गए। घर पर सोए ग्रामीणों ने हाथियों की चिंघार सुनकर जान बचाकर भागे। गांव वालों ने शोरगोल करते हुए मशाल जलाकर हाथियों को भगाया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर अचानक मार टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित बिजरा कछार सर्कल के डंगनिया बेट के RA 457 में रात के लगभग 3 बजे ग्राम बिसौनी में अचानक 7 छोटे बड़े हाथियों का दल पहुंचे और वहां पर हड़कंप मच गया। हाथियों ने ग्राम बिसौनी निवासी रतन सिंह पिता गणराज के मकान को क्षतिग्रस्त कर राशन सामान को चट कर दिया है। हाथियों की आवाज सुनकर वे भागे। वहीं पहर पिता गणराज के मकान में पहले बड़े हाथियों ने एक तरफ से मकान में घुसकर घर में रखे राशन सामग्री और महुआ को खाकर घरों को बुरी तरह से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही गांव के कई किसानों के धान की फसल को चौपट कर नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद दहशत में गांव के 56 परिवार एक साथ रात में अलाव जलाकर रत जगा कर घरों की सुरक्षा में लगे हैं। जंगली हाथियों में 4 बड़े और 3 छोटे बच्चे हाथियों का दल वर्तमान में ग्राम डंगनिया बेट के बरनाला वन क्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। वहीं NTR के रेंजर किशोर साहू ने बताया कि पूरा एटीआर प्रशासन इन हाथियों को भगाने में लगा हुआ है। वहीं जिन लोगों की घर फसल नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, उनकी क्षतिपूर्ति जल्द ही किए जाने की बात कही है। जिला ब्यूरो प्रमुख हरीश मारवा, सवितर की न्यूज, सच की आवाज। 8 बजे 9 की घटना है। 6 से 7 हाथियों का जो झुंड है एटीआर के कक्ष क्रमांक 457 ग्राम बिसौनी में प्रवेश किया और 2 घर को क्षतिग्रस्त किया है और कुछ फसल और राशन भी क्षतिग्रस्त किया है। और भी क्षतिग्रस्त है उनका आकलन किया जा रहा है, उनको तत्काल मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके लिए हमारे जो फील्ड स्टाफ होते हैं, जो पैदल गार्ड होते हैं, ये जैसे ही एटीआर में प्रवेश करते हैं हमारे हाथी, तो इसका लगातार ये मूवमेंट रखते हैं और इनकी खबर रेंज टू रेंज देते रहते हैं। ये 7 हाथी का झुंड है, ये MP से आया हुआ है ये जी।